हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेव थ्री टेक क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, जिसे हम कहते हैं मानसिक संघर्ष। ठीक है, कभी कभी इसके लिए वर्ड द्वंद भी यूज होता है, तो मानसिक द्वंद भी हम इसे कह सकते हैं। तो अगर हम सामान्य भाषा में बात करें तो मानसिक द्वंद हम कब कह सकते हैं, जब किसी व्यक्ति के सामने दो अलग अलग रास्ते या परिस्थितियां उपस्थित हो जाती है, जहां पर उसे चूज करना होता है कि मैं किस तरफ आगे बढ़ूं। ठीक है, आपके सामने दो लक्ष्य आ गए या दो रास्ते आ गए और आपको सेलेक्ट करना है कि मैं इस रास्ते जाऊं या इस रास्ते जाऊं, मैं कौन से लक्ष्य को चुनूं, तो वही क्या है, आपके माइंड में जो एक द्वंद चल रहा होता है, एक संघर्ष चल रहा होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, मानसिक संघर्ष, मानसिक द्वंद, या इंग्लिश में हम इसे कहते हैं मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए, अगर कुछ परिभाषाएं देखें हम, तो क्रो के अनुसार क्या है कि संघर्ष उस समय उत्पन्न होते हैं जब एक व्यक्ति को पर्यावरण की उन शक्तियों का सामना करना पड़ता है जो उसकी स्वयं की रुचियों और इच्छाओं के विपरीत कार्य करती है। तो बेसिकली हमारा इंटरेक्शन कंटिन्यूसली एनवायरमेंट के साथ हो रहा है, पर्यावरण के साथ हम परस्पर क्या कर रहे हैं, बार बार अंतःक्रिया कर रहे हैं। तो अगर हमारे एनवायरमेंट में या पर्यावरण में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जो हमारी रुचियों के अकॉर्डिंग नहीं है, हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, हमें अपनी इच्छाओं के विपरीत जाकर उस काम को करना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसा कोई लक्ष्य आ सकता है हमारे सामने जब हमें सेलेक्ट करना पड़ रहा है अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर भी, वही क्या है, आपका मानसिक संघर्ष की एक स्थिति आ जाती है। फ्राइड के अनुसार जो इन्होंने इद ईगो और सुपर ईगो की बात की है, इदम अहम और परम अहम के साथ सामंजस्य का अभाव होने से मानसिक संघर्ष उत्पन्न होता है। तो बेसिकली इनके अनुसार क्या है, जो आपका इद है, ईगो है और सुपर ईगो है, इनके बीच में जब आप बैलेंस नहीं बना पाते हैं तो वही क्या कहलाता है, आपका मानसिक संघर्ष। डगलस तथा हल के अनुसार क्या है कि द्वंद उस पीड़ादायक संवेगात्मक दृष्टि को कहते हैं जो विरोधी और प्रतिवादात्मक इच्छाओं के मध्य उत्पन्न होती है। मतलब हमें अपने इच्छाओं के अगेंस्ट, हमारा दिल कुछ कह रहा है और हमारे पास दूसरा है, हमारे सामने जो लक्ष्य है वो कुछ और है, हमें क्या करना है, चूज करना है, स्थितियों के बीच में बैलेंस बिठाना है, वही क्या है, आपका मानसिक द्वंद या मानसिक संघर्ष है। अब देखिए, मानसिक संघर्ष के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, तो इसके टोटल चार प्रकार हैं, जिसमें से पहला है आपका उपागम उपागम संघर्ष, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। इस केस में एक व्यक्ति के सामने दो पॉजिटिव गोल्स होते हैं, मतलब अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसके सामने यहां एक लक्ष्य है और यहां भी उसके सामने एक लक्ष्य है, और दोनों ही लक्ष्य जो है पॉजिटिव है, यानी उसे अपनी ओर खींच रहे हैं, दोनों ही तरफ वो जाना चाहता है एक ही समय पर, तो ये क्या हो गया, अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट हो गया। वो इस तरफ भी जाना चाहता है, इस तरफ भी जाना चाहता है, लेकिन क्योंकि ये दोनों एक ही समय पे हो रही है, कोई भी ऐसी चीज है तो इसे एक ही को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये है आपका अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट या उपागम उपागम संघर्ष। एग्जाम्पल हम क्या देख सकते हैं, जैसे सुमित है, उसको चूज करना है कि वो अपने स्कूल ट्रिप पे जाए या अपने परिवार के साथ एक गर्मियों की छुट्टियों में घूमने जाए, यानी कि एक समर वेकेशन पे जाए, तो उसे चूज करना पड़ेगा। अब दोनों ही जो उसके सामने लक्ष्य हैं वो उसे अपनी ओर खींच रहे हैं, दोनों में ही पॉजिटिवनेस है, धनात्मक लक्ष्य है, दोनों ही अपनी ओर खींच रहे हैं, लेकिन अब उसे एक को सेलेक्ट करना पड़ जाएगा। ऐसे ही अगर अब हम सेकंड को देखेंगे तो यह है परिहार परिहार संघर्ष, जिसे हम कहते हैं अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, यानी यहां पर हमारे सामने जो लक्ष्य है वो क्या है, दोनों ही उसमें नेगेटिव है। ठीक है, दोनों में ही क्या पॉइंट्स हैं, क्या वैल्यू है, दोनों में नेगेटिव वैल्यू है, ऋणात्मक है। ठीक है, अब जैसे कि कोई बालक ना तो पढ़ना चाहता है और ना ही फेल होना चाहता है, अब वो ये है कि ना तो वो पढ़ाई करना चाहता है और ना ही वो फेल होना चाहता है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि मान लीजिए एक लड़की है और उसके सामने एक गोल ये है कि ना तो वो स्कूल जाके अपने लेक्चर्स अटेंड करना चाहती है और ना ही वो डिफॉल्टर्स की लिस्ट में आना चाहती है, बार बार स्कूल अटेंड नहीं करेगी तो डिफॉल्टर की लिस्ट में आ जाएगी, ना तो वो लेक्चर अटेंड करने का उसका मन है क्योंकि बहुत बोरिंग है और ना ही वो डिफॉल्टर की लिस्ट में आना चाहती है, दोनों ही हालांकि नेगेटिव है लेकिन उसे एक को तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये है अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। तीसरा होता है आपका उपागम परिहार संघर्ष, जिसे आप कहते हैं अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अब इसमें क्या होता है कि आपके पास एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, यानी दोनों ही पहलू आपके एक ही गोल में होते हैं, यानी अगर मैं किसी व्यक्ति की बात करूं तो इसके सामने कोई गोल है, अब ये गोल जो है इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर रहा है और इसे रिपेल भी कर रहा है, यानी कि कुछ इसका पॉजिटिव पॉइंट है जिसकी वजह से ये इसे चुनना चाहता है और इसमें नेगेटिव पॉइंट भी है जो इसे इससे दूर कर रहा है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि एक छात्र नौकरी तो करना चाहता है लेकिन मेहनत नहीं करना चाहता, तो गोल उसके सामने है जिसकी तरफ एक चीज पॉजिटिव है लेकिन दूसरी चीज उसके तरफ नेगेटिव हो रही है। फिर आता है लास्ट आपका द्विउपागम परिहार संघर्ष, जिसे आप कहते हैं डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अब इस द्वंद या इस संघर्ष में क्या होता है कि व्यक्ति के सामने दो ऐसे लक्ष्य होते हैं जिन दोनों ही लक्ष्यों में एक एक पॉजिटिव बात भी है एक नेगेटिव बात भी है, यानी अगर मैं ए व्यक्ति की बात करूं तो उसके सामने एक गोल यहां है और इस तरफ भी उसके सामने एक गोल है,
अब इसमें दोनों में ही पॉजिटिव बातें भी हैं और दोनों में ही नेगेटिव बातें भी हैं, ठीक है। तो अब अगर इन दो लक्ष्यों में से किसी एक का इसे चयन करना पड़ेगा तो ये क्या करेगा, मान लीजिए इस लक्ष्य को ये चुनता है तो जो दूसरा लक्ष्य है उसके पॉजिटिव पॉइंट को तो इसे छोड़ना ही पड़ेगा, साथ ही साथ इस चुने हुए लक्ष्य का नेगेटिव पॉइंट भी इसे स्वीकार करना पड़ेगा, इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये होता है डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, जहां पर आपके सामने दो ऐसे लक्ष्य हैं जिसके में दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों में ही नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। अगर आप एक को चुनते हैं दूसरे वाले का पॉजिटिव तो छूटेगा ही, साथ ही साथ जिसे आपने चुना है उसका नेगेटिव पार्ट भी आप एक्सेप्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे कि निशा है वो पायलट बनना चाहती है, लेकिन ये जो है ये कोर्स जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे खर्चीला है, अब ये कोर्स खर्चीला है इस वजह से ये चीज इससे अपने लक्ष्य से दूर कर रही है। दूसरा है कि ये ब्यूटिशियन भी बन सकती है जो कि कम खर्चीला है, लेकिन यहां पर क्या है ये बहुत ही साधारण काम लगता है इसको, तो ये इसकी तरफ उतनी अट्रैक्ट नहीं हो रही है, तो यहां पर इसके पास डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है। अब कुछ संघर्ष निवारण के उपाय देख लेते हैं कि बच्चों में किस तरीके से हम इसको कम कर सकते हैं। तो देखिए, परिवार और विद्यालय का जो वातावरण है वो उत्तम रखना चाहिए। दूसरा है कि बालकों को समस्या आने पर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो संघर्ष की स्थिति से बच सके, ठीक है। एक तो आप पहले तो एनवायरमेंट अच्छा प्रोवाइड करवाइए जहां पर बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो, ठीक है, ज्यादा बच्चा जो है अपने आप के लिए जो डिफरेंट गोल्स हैं वो सेलेक्ट कर सके, उसे ईज हो, उसे आसानी हो ये सब करने में, और साथ ही साथ बालकों को जब समस्या आ भी रही है तो आप उनको सही निर्णय लेने के साथ साथ आप उन्हें गाइड भी करेंगे और प्रोत्साहित भी करेंगे कि वो सही निर्णय ले सके ताकि वो संघर्ष की स्थिति में या द्वंद की स्थिति में ना फंसे। फिर है उन्हें उचित परामर्श, निर्देशन और समायोजन का प्रशिक्षण देना चाहिए। तो हमें ट्रेनिंग कहाँ करानी चाहिए बच्चों की, एक तो प्रॉपर गाइडेंस देनी है, साथ ही साथ बच्चों को ट्रेन करना है कि वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को समायोजित कर सकते हैं। अब इस टॉपिक में से आपके एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स बताए भी हैं, तो यहाँ पर इसी तरीके के क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। जैसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि एक बच्चा स्कूल भी नहीं जाना चाहता लेकिन फेल भी नहीं होना चाहता, तो ये किस तरीके का आपका संघर्ष है, ठीक है। तो उसमें आपको चार ऑप्शन दे देंगे, तो ये आपको पता होने चाहिए। तो आई होप आज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।